दोस्तों, स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें हमें कई अभिनेत्रियां देखने को मिली थी जिन्होंने इस सीरियल को सुपरहिट बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। जी हाँ, तो वहीं आज भी इस सीरियल में कई नई अभिनेत्रियां भी नज़र आ रही हैं जो कि सीरियल को सुपरहिट बनाने का काम कर रही हैं। तभी तो दर्शक है कि सीरियल को देखना आज भी बेहद पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में नज़र आई अभिनेत्रियां आज कहाँ हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस सीरियल के फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि इस सीरियल के फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में नज़र आई अभिनेत्रियां आज कहाँ हैं। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के ज़रिए। नंबर 1, शिवांगी जोशी। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम शुमार होता है अभिनेत्री शिवांगी जोशी का, जो कि इस सीरियल में सेकंड जनरेशन में नायरा और सीरत के किरदार को निभाती हुई नज़र आई थी। और अगर बात करें कि शिवांगी जोशी आज कहाँ हैं तो बता दें कि आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा हुआ है, जो कि इन दिनों बालिका वधू 2 सीरियल में आनंदी के किरदार को निभाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये अपने ही को स्टार मोहसिन खान को डेट कर रही हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में भी रह रही हैं। नंबर 2, हिना खान। अब बात करते हैं अभिनेत्री हिना खान के बारे में, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के फर्स्ट सीजन में अक्षरा के किरदार को निभाकर घर घर में मशहूर हो गई थी। और अगर बात करें कि आज ये कहाँ हैं तो बता दें पिछले एक साल से ये एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं और अब ये अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटी हुई हैं। साथ ही इन दिनों ये बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर रॉकी जायसवाल को डेट कर रही हैं और पहले की तरह आज भी अपनी खूबसूरती को कह ढा रही हैं। नंबर 3, कांची सिंह। अब बात करते हैं अभिनेत्री कांची सिंह के बारे में, जो कि सीरियल में नायरा की कज़न सिस्टर गायू के किरदार को निभाते हुए नज़र आई थी। और अगर बात करें आज ये कहाँ हैं तो बता दें कि आज इन्होंने अपने एक्टिंग करियर से दूरी बना ली है, जिसके बाद से अभी फ़िलहाल सिंगल हैं और अपने फैमिली के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही हैं और इसी के साथ पहले की तरह आज भी खूबसूरत नज़र आती हैं। नंबर 4, पारुल चौहान। अब बात करते हैं अभिनेत्री पारुल चौहान के बारे में, जो कि सीरियल में मोहसिन खान की मम्मी और नायरा की सासू माँ यानी कि स्वर्णा के किरदार को निभाती हुई नज़र आई थी। और अगर बात करें कि आज ये कहाँ हैं तो बता दें आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है। जी हाँ, जो कि बहुत जल्द धर्म योद्धा गरुड़ सीरियल में नज़र आने वाली हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्होंने साल 2018 में अभिनेता चिराग ठक्कर से शादी रचा ली थी, जो कि जहां सीरियल में साड़ी और लहंगा कैरी करते हुए और ढेर सारे ज्वेलरी को कैरी करते हुए बेहद खूबसूरत नज़र आई थी, तो वहीं आज ये ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न ड्रेसेस को कैरी करते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस नज़र आती हैं। नंबर 5, लता सभरवाल। अब बात करते हैं अभिनेत्री लता सभरवाल के बारे में, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अक्षरा की मम्मी यानी कि राजश्री के किरदार को निभाती हुई नज़र आई थी। और अगर बात करें कि आज ये कहाँ हैं तो बता दें पिछले कुछ समय से ये एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं, जो कि आखिरी बार ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल में नज़र आई थी, जिसके बाद ये किसी सीरियल में नज़र नहीं आई हैं। और बता दें कि इन्होंने अपने को स्टार यानी कि संजीव सेठ, जो कि इस सीरियल में इनके हस्बैंड के किरदार को निभाते हुए नज़र आए थे, इसी से इन्होंने रियल लाइफ में भी शादी रचा ली हैं, जिसके चलते आज ये उनके एक बच्चे की मम्मी भी बन चुकी हैं और आज ये अपने फैमिली के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। नंबर 6, मोहिना सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अभिनेत्री मोहिना सिंह कीर्ति गोयनका के किरदार को निभाती हुई नज़र आई थी, जो कि इस सीरियल में कीर्ति की बहन के किरदार को निभाती हुई नज़र आई थी। पर अगर बात करें कि आज ये कहाँ हैं तो बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली है और साल 2019 में सुयेश रावत से शादी रचा ली थी, जो कि राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। और आपको बता दें कि ये अपने पहले बच्चे की मम्मी भी बनने वाली हैं, जिसकी वजह से इन दिनों ये अपनी प्रेगनेंसी की वजह से भी दर्शकों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती हैं। तो दोस्तों, आप ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नज़र आई अभिनेत्रियों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।